नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में। मैं स्वाति, और आइए नजर डालते हैं आगे के प्रमुख समाचारों पर। रांची झारखंड निजी स्कूल फीस मामला, किस पक्ष ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं रांची से हमारे संवाददाता मोहम्मद शाहनवाज की इस रिपोर्ट द्वारा। मेरे सम्मानित प्रिंसिपल साहब के रूप से हमने बैठक की है, और बैठक में निर्णय आया है कि जो लॉकडाउन का पीरियड है उस पर बहुत तरह के बात होने के बाद निर्णय पर आया है कि सिर्फ ट्यूशन फीस छोड़ के दूसरा फीस अभी नहीं लेंगे, और दूसरा आदेश स्थिति को देखते हुए विभाग से निर्गत होगा, तब निर्णय लिया जाएगा। हम लोगों ने स्कूल का पक्ष भी सुना, अभिभावक पक्ष से भी सुना, सुनने के बाद निर्णय हुआ। अभी हमारे स्कूल प्रबंधक पक्ष से जो आया था बात कि हम लोग 2 महीने का सारे तरह का फीस छोड़ देंगे, सिर्फ ट्यूशन फीस लेंगे। हम लोग अपने तरफ से बोले कि 3 महीना, लेकिन उसी पर थोड़ा सा तय हुआ कि जब तक लॉकडाउन नहीं टूटता है तब तक के लिए आगे निर्णय जो होगा लॉकडाउन के देखते हुए निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अभी तत्काल किसी तरह का कोई अभिभावक का फोर्स नहीं किया जाएगा। जो हमारे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं वही स्कूल आपका ट्यूशन फीस लेंगे, जो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करते हैं उसको ट्यूशन फीस वो भी नहीं लेंगे। यही बातें छन के आया है, और निश्चित तौर पर हम लोग जिस जगह पहुँचे हैं और दोनों के बीच के बाद सामने लाकर विभाग से एक आदेश चला जाएगा, और दोनों पक्ष का मानना तय होगा कि स्कूल को देखते हुए और अभिभावक को देखते हुए हम लोग निर्णय लिया है। बस फीस में क्या हुआ सर? बस फीस पूरा ले चुकी है, जो पूरा उनके लिए क्या है, जो ले चुके पहले ही, जो ले चुके एडजस्ट हो गए। कौन सा महीना वो दोनों है? जो 2 महीने के फीस जो है ना, हम लोगों ने कहा था कि आपका अप्रैल मई जून 3 महीने का सिर्फ ट्यूशन फीस लीजिए, लेकिन 2 महीना पर लोग राजी हो रहे थे, लेकिन हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि नहीं, उस पर हम लोग आगे और कितना दिन चलेगा उस पर देखते हुए निर्णय लेंगे। अप्रैल और मई अभी मान लिया जाएगा। हाँ, अप्रैल और मई मान लिया जाएगा। एनुअल फीस का क्या? एनुअल फीस 2 महीना का नहीं लगे। नहीं नहीं सर, एनुअल फीस वन टाइम होता है, बहुत सारे फीस वन टाइम होते हैं डेवलपमेंट, तो 2 महीना काट के लगा ना। अच्छा, उसको डिवाइड कर दिया। अच्छा, और ट्यूशन फीस सिर्फ ट्यूशन फीस लॉकडाउन में अभी 2 महीना क्लियर हुआ है, लेकिन आगे क्या स्थिति होगा उस पर हम देखें। ये अप्रैल और मई हो गया, और जब तक स्कूल नहीं चलेगा अभी फिलहाल, जब तक बंद उस पर क्लियर नहीं हो पाया है। हम लोग आगे दिल्ली हाईकोर्ट का जो मामला गया है सुप्रीम कोर्ट में भी है, उसका निर्णय आने के बाद ही निर्णय होगा। जहाँ तक हम जानते हैं जो डिस्कस हुआ, मंत्री जी ने कहा है कि अभी ट्यूशन फी लेना है और फी के बारे में चर्चा बाद में करेंगे, जो ऑर्डर आएगा उसको देखेंगे। यानी ट्यूशन फीस आप लोग अभी लेंगे लगा? हाँ, शुरुआत हो जाएगी ट्यूशन फी लेना, चूँकि पूरी फीस जो है स्कूलों की रुकी हुई थी, कोई भी नहीं आ रहा था, सैलरी देना पड़ रहा था स्टाफ को, तो उसी का रिक्वेस्ट था कि भाई हमको फीस चाहिए, तो उसमें ट्यूशन फी उन्होंने अलाउ कर दिया कि ट्यूशन फी अपना स्कूल जो है ले। एनुअल फीस के बारे में सर क्या डिसीजन हुआ? एनुअल फी के बारे में कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया, चर्चा कुछ भी है, चर्चा होती रहती है, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन नहीं है। सर किस इस डिसीजन पर क्या रिएक्शन आप देंगे, सही है गलत है? नहीं, स्कूलों का ट्यूशन फी लेंगे और फी के बारे में जब कुछ होगा डिस्कस तब आएगा, अभी तो यही है ट्यूशन फी के बारे में। आपके तरफ से क्या क्या बोझ कम होगा, बढ़ेगा, आपका क्या मानना है, फैसला सही है कि गलत है? फैसला ठीक है, माने कि ट्यूशन फी मिलना शुरू हो जाएगा, स्कूलों का सैलरी देना शुरू करेंगे, बहुत से स्कूलों को प्रॉब्लम थी उसको देखिए। कोई भी गार्जियन फिर भी अभी थोड़े से प्रॉब्लम है, अभी जो कन्फ्यूजन था कन्फ्यूजन वो हुआ कि ट्यूशन फी स्कूल चार्ज कर सकते हैं, स्कूल ले सकते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ के बोले थे कि भाई फाइन नहीं लेंगे, कोई फी हाइक नहीं करेंगे, कोई नोटिस नहीं देंगे, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, पोर्टल खोल दिया जाएगा जिससे कि लोग ट्यूशन फी जमा कर सकते हैं। पोर्टल फी सर, पेरेंट्स के पास नोटिस तो आता है
दो चीज़ें हैं कि उनको इन्फॉर्म किया जाता है, प्रेशर देने की बात नहीं है, लेकिन इन्फॉर्म किया जाता है कि जो दे सकते हैं वो दें, ऐसा ही। देखिए, पहले तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 27 मई को हम लोगों से वार्ता क्रम में ये कहा था कि अब आगे जो बैठक होगी वो त्रिपक्षीय वार्ता होगी, और आज त्रिपक्षीय वार्ता को लेकर ही आमंत्रित किया गया था। लेकिन वहां जाने के बाद जो है फिर बैठ के स्कूल का अलग और पेरेंट्स सेशन का अलग किया गया, और फिर उनका जो निर्णय आया कहीं ना कहीं हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और इस बात को लेकर, क्योंकि सरकार के मंत्री खुद ये बोले थे कि लॉकडाउन अवधि का फीस माफ किया जाना चाहिए, और उसको लगातार उन्होंने आग्रह भी किया था, आज क्या कारण हुआ, आज कौन सा दबाव उनके ऊपर में था कि आज फिर वो स्कूल के पक्ष में ही ये फैसला लिए कि हमें फीस जमा करना है, हमको एनुअल चार्ज जमा करना ही है, एक्स्ट्रा करिकुलम का सारी चार्ज जमा करना ही है। तो फिर ये मंत्री का आश्वासन जो है ये सिर्फ कोरा कागज के सिवा कुछ नहीं, और सिर्फ पेरेंट्स को इन्होंने धोखेबाजी किया है पेरेंट्स के साथ में। तो हम लोग निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के अब कोर्ट जाएंगे, क्योंकि अभी के समय में जो हालात हैं कि लगभग 70-80% जो पेरेंट्स हैं वो पूरी तरह बेरोजगार हैं, और उन परिस्थितियों में जिस तरीके से मंत्री जी 3 महीने से लगातार आश्वासन देकर के इस तरह का धोखा दिए हैं, ये उन्हें नहीं करना चाहिए था, और इस चीज को लेकर के उनके क्षेत्र की जनता उनको बताएगी। रांची बगोदर के विनय कुमार का हुआ अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में चयन। विनय कुमार को फास्ट न्यूज इंडिया की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह कामयाबी के शिखर पर पहुंचे और अपने गांव झारखंड और देश का नाम इसी तरह से रोशन करते रहें। रांची से हमारे संवाददाता मोहम्मद शाहनवाज की रिपोर्ट। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी श्रोतागणों को नमस्कार। मेरा यह चयन स्टेट लेवल में हुआ था। इसका फॉर्म जनवरी में मैंने फिलअप किया हुआ था। फिलअप करने के बाद उसका काउंसलिंग डेट आया, काउंसलिंग में मैंने पहुंचा, जो कि रांची में हुआ था। उस काउंसलिंग में मैंने मेरे से बहुत सारे जानकारियां ली गई, मैंने जानकारियां दी भी, और भी बहुत तरह का प्रखंड लेवल में भी इसका एक्टिविटी हुआ, जांच में आया गया, उसके बाद मेरा यह सिलेक्शन हुआ है। कल भारतीय युवा सम्मेलन होनी है, या देश के राजधानी नई दिल्ली में होने वाली थी, परंतु लॉकडाउन में परमिशन नहीं मिलने के कारण यह कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया, और अब यह ऑनलाइन किया जाएगा। और पूरे भारत से 7 युवाओं का चयन हुआ है, जो अन्य अन्य राज्यों से भी हैं, और युवाओं के यह मुद्दों को लेकर बातचीत कल होगी, जिसमें देश के कई चेंज मेकर भी उपस्थित रहेंगे। उसमें हम भारत से 7 युवा भी मौजूद रहेंगे, जो युवा की आवाज़ को हम लोग उठाएंगे। और कार्यक्रम को समाप्त होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन की ओर से सम्मानित पत्र भी दिया जाएगा, साथ ही साथ पुरस्कार प्रदान की जाएगी। रांची में 55 लाभुकों को गृह प्रवेश कराया गया। ईस्ट जेल रोड स्थित प्रेम नगर के समीप नवनिर्मित प्रधानमंत्री आवासों में मेयर आशा लकड़ा व डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय ने 55 लाभुकों को गृह प्रवेश कराया और उन्हें आवंटित फ्लैट की चाबी सौंपी। प्रधानमंत्री आवास में कुल 180 फ्लैटों का निर्माण कराया गया है। फिलहाल 71 चयनित लाभुकों ने आवास के लिए निर्धारित राशि ₹50 का डिमांड ड्राफ्ट भी जमा कराया है। लाभुकों के गृह प्रवेश के लिए मौके पर पूजा पाठ की व्यवस्था भी की गई थी। उसके बाद विधि विधान के तहत लाभुकों ने अपने अपने आवास में प्रवेश किया। पूर्व में चयनित लाभुकों के बीच लॉटरी के माध्यम से आवास का आवंटन किया गया था। फिलहाल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नवनिर्मित आवास में बोरिंग के पानी की व्यवस्था उपलब्ध है, और इस अवसर पर वार्ड 18 की पार्षद आशा देवी गुप्ता, उप नगर आयुक्त रजनीश कुमार, नगर प्रबंधक विजयेंद्र कुमार समेत रांची नगर निगम के कई कर्मी उपस्थित थे। रांची से हमारे संवाददाता मोहम्मद शाहनवाज की रिपोर्ट। खबर यूपी के बदायूं जिले से है। बिसौली नगर निवासी युवा नेता पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के राकेश प्रजापति को प्रदेश सचिव नियुक्त किए जाने के बाद प्रजापति आवास पर आकर बिसौली समाजवादी कार्यकर्ताओं ने हर्ष प्रकट किया एवं बधाई दी। सचिन सक्सेना, नदीम सर, अंकित यादव, शिवम यादव, सुदेश यादव आदि लोग मौजूद रहे।
राकेश प्रजापति ने कहा कि मैं अपने पिछड़े वर्गों के लिए हमेशा आंदोलन के लिए तैयार रहूंगा एवं समाजवादी पार्टी के लिए पूरी तरह से कार्य करता रहूंगा। बदायूं से हमारे संवाददाता शिवम गौतम की रिपोर्ट। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस समय लॉकडाउन है, लॉकडाउन नहीं अनलॉक है, इस समय धारा 144 लगी हुई है, इसलिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बड़ा कार्यक्रम ना करके केवल कुछ साथी हमारे इस समय आ गए जिन्होंने मुझे स्वागत किया है और सभी साथियों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे इतना मान सम्मान दिया। अच्छा, इससे आपको जो पद मिला है समाजवादी पार्टी से, उसका आंदोलन आप किस प्रकार करेंगे? ये जो मुझे पद मिला है समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ में, मैं प्रदेश सचिव बनाया गया हूँ। इस समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का जो है समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत ही कार्य करता है। इसमें हम पिछड़ा वर्ग से जितनी भी संबंधित समस्याएं होती हैं उस पिछड़ों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। पिछड़े वर्ग पर होने वाले अत्याचारों और जो आप देख रहे होंगे पिछड़े वर्ग पर कितना अत्याचार हो रहा है, बहुत से सात के कुर्मी पटेल मौर्य यादव सब लोगों की हत्याएं की जा रही हैं और इस प्रदेश सरकार जो है कुछ भी नहीं कर रही है। तो हम इस सरकार के विरुद्ध जब भी कोई इस तरीके का कार्य होगा हम प्रयास करेंगे समाजवादी पिछड़ा वर्ग के द्वारा इस इनके खिलाफ आंदोलन किया जाए। हमारे दर्शक आपसे कहना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे आपके भाषण से कि आप यहाँ तक आए, पार्टी ने आपको पद दिया, यहाँ तक आया आप, इस मैटर में आप क्या कहना चाहेंगे जी? आपका किस किस के साथ किस किस का संगठन रहा? इसमें मेरी पूरी टीम जो है समाजवादी की पूरी टीम बिसवली विधानसभा की, मेरे बहुत से साथी हैं, क्रांतिकारी साथी हैं जिनका मैं एक का नाम लूंगा तो अच्छा नहीं रहेगा, मेरी पूरी जो टीम है उस पूरी टीम को मैं पूरी तरीके से इसका धन्यवाद देना चाहूँगा जिनकी मेहनत और जिनका साथ मुझे मिलता है, जिनका प्यार मुझे मिलता है, मैं इस मुकाम तक पहुँचाऊँगा। रांची नगर निगम क्षेत्र में सरकारी जमीन पर भी अवैध रूप से कब्जा करने का सिलसिला शुरू हो गया है। गुरुवार को एदरहातू स्थित पहाड़ टोली में ऐसा ही मामला सामने आया। रांची नगर निगम की जमीन पर पिछले 3 दिनों से कब्जा करने की तैयारी की जा रही थी। जमीन पर चूने से मार्किंग करने के बाद नींव खुदाई का काम शुरू हो चुका था। स्थानीय निवासी ने गुरुवार की सुबह नींव खुदाई का काम होता देख तत्काल स्थानीय पार्षद बसंती लकड़ा को इस मामले की सूचना दी। पार्षद ने तत्काल इस मामले की सूचना मेयर आशा लकड़ा व इन्फोर्समेंट टीम को दी। इन्फोर्समेंट टीम के पहुंचते ही नगर निगम की जमीन पर नींव की खुदाई करा रहा व्यक्ति भाग खड़ा हुआ। मौके पर मेयर भी पहुंची। रांची से हमारे संवाददाता मोहम्मद शाहनवाज की रिपोर्ट। इतने भी के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।